महेंद्र सिंह धोनी का ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये शायद आखिरी साल हो। गुजरात टाइटंस में हार्दिक पंड्या और आशीष नेहरा का कॉम्बिनेशन ना होना ये ज्यादातर तकलीफ देगा हार्दिक पंड्या को। हैदराबाद ने एक बहुत अच्छी टीम बनाई है तो ये टीम के पास वो मादा है कि टॉप फोर में आराम से जगह बना ले। वो रिंकू सिंह छोटी सी हाइट में बड़े बड़े पंच लगाता है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग क्रिकेट के महाकुंभ आईपीएल के शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं 2007 T20 वर्ल्ड कप विनिंग भारतीय टीम के हिस्सा रहे इरफान पठान। सर आपका स्वागत है ईटी भारत में। बहुत शुक्रिया सर। मेरा आपसे सबसे पहले गुड लक आपको, आपका ये पहला इंटरव्यू है और उम्मीद यही है कि ये बहुत सारे आप आगे जाके इंटरव्यू लीजिए। थैंक यू सर। सर मेरा आपसे पहला सवाल MS धोनी को लेकर है। किंग्स इलेवन पंजाब के साथ आईपीएल डेब्यू के बाद आप सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए खेले, उसके बाद आप चेन्नई सुपर किंग्स का भी हिस्सा रहे। तो MS धोनी जो है दोबारा से CSK की कमान संभालने के लिए तैयार हैं, तो उनकी फिटनेस और उनकी कप्तानी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए कमाल का खिलाड़ी रहा है, लेजेंडरी खिलाड़ी है, बहुत इंस्पायर किया है। ऐसे खिलाड़ी बहुत कम होते हैं दुनिया में। बहुत स्पेशल कैरेक्टर भी है महेंद्र सिंह धोनी का, और अब दोबारा वो कप्तानी कर रहे हैं इस साल फिर से। जो बीच में उन्होंने छोड़ा था, रविंद्र जडेजा को कप्तानी दी थी फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन फिर आए, फिर IPL जिताई वापस से बतौर कप्तान, बतौर टीम। और अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये शायद आखिरी साल हो। डेफिनेटली और डेफिनेटली नॉट, आपको नहीं पता कि महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चलता है। लेकिन उम्मीद यही रहेगी कि एक ज़बरदस्त उनका ये साल रहे। फिट लग रहे थे, लंबे बाल आ गए वापस से दोबारा, वो पुराने जो 2004-05 में आपको देखने को मिलते थे, और फिटनेस ज़बरदस्त नज़र आ रही है। और उम्मीद यही रहेगी कि एक जो हीरो रहा है बहुत साल सबका, सिर्फ इंडियन क्रिकेट में नहीं पूरी दुनिया भर में एक इंस्पिरेशनल फिगर रहा है, वो खिलाड़ी जब वो ख़त्म करे अपना करियर क्रिकेट का, वो एक हाई पे जाए, ये मेरी दिली तमन्ना है। खैर वो दोस्त हैं हमारे, वो एक दिल में बात दोस्त के लिए तो अच्छी रहती है, लेकिन वो उसके अलावा भी एक ज़बरदस्त शख्सियत है जिसे आप चाहते हो कि एक स्माइल के साथ जाए। एक ज़रूर इमोशनल मोमेंट होगा अगर वो जाते हैं, वरना तो फैंस तो चाहेंगे कि यार महेंद्र सिंह धोनी एक पैर भी खेले तो पूरी ज़िंदगी खेलता रहे। बिल्कुल सर। सर स्टार बैटर रिंकू सिंह जिन्होंने पिछले IPL में लगातार 5 छक्के मारकर अपना जलवा बिखेरा था, सबकी निगाहें इस बार भी IPL में उन पर टिकी होंगी, तो एज एन एक्सपर्ट और आप भी बाएं हाथ के बल्लेबाज रहे हैं, आप उनकी टेक्निक को लेकर क्या कहेंगे? वो इतने बड़े बड़े शॉट्स आसानी से लगा देते हैं और छोटा हाइट का बंदा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई पुलार्ड है या एंड्रे रसल है या यूसुफ पठान, ऐसा कोई बंदा है जो बहुत तगड़ा फ्रेम के साथ दिखता है आपको। छोटी सी हाइट में बड़े बड़े पंच लगाता है। बहुत ज़बरदस्त उनकी कहानी रही है, जितना स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं, और ऐसा भी नहीं हुआ है कि पिछले साल जो परफॉर्म किया है तो अचानक से एक साल में आ गए परफॉर्म के। बहुत साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, बहुत साल उनका 50 से ज़्यादा का औसत फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रहा है, मेहनत करके आए हैं यार, बंदा झाड़ू लगाता था। अब बॉलर्स के जहन में और बॉलर्स के प्लानिंग पे पानी फेरता है, उस तरीके का ये खिलाड़ी है। आई थिंक बहुत इंस्पिरेशनल उनकी भी जर्नी रही है। उम्मीद यही रहेगी कि पिछले साल जो उन्होंने कारनामा किया, देखिए वो कारनामा तो आप ये कहेंगे कि दोबारा 5 छक्के लगा के मैच जिताते, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो 16 साल के इतिहास में नहीं हुआ था। वो पहली बार महेंद्र सिंह धोनी नहीं कर पाए थे, रसल नहीं कर पाए थे, यूसुफ पठान नहीं कर पाए थे, एंड्रे रसल नहीं कर पाए थे, ए बी डिविलियर्स नहीं कर पाए, वो रिंकू सिंह ने कारनामा किया था। तो वो तो एक वंस इन अ प्रॉब्ली लाइफ टाइम ऐसा मोमेंट रहा है, लेकिन उम्मीद यही रही कि अच्छा प्रदर्शन करते रहे, क्योंकि अब तो वो इंडिया खेल रहे, रिप्रेजेंट कर रहे, वहाँ पर भी अच्छा कर रहे, तो कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होगा। और KKR के जो उनका पूरी तरह से आखिर में ये जो रिज़ल्ट रहेगा कि KKR किस तरह से परफॉर्म करती है, उस पर बहुत ज़्यादातर योगदान रिंकू सिंह का रहने वाला है। साहब जी, जी सर अभी तक IPL के 16 सीज़न हो चुके हैं, इसमें से 10 बार चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस रहे हैं, ये दोनों टीमें अब तक 5-5 बार ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा चुकी हैं, तो ऐसा इन दोनों फ्रेंचाइजी में ऐसा क्या खास है जो इनको दूसरों से अलग बनाता है? आप देखिए, एक तो कोई भी फ्रेंचाइज़ जो अच्छा करती है ना, खास करके ये दो फ्रेंचाइज़, उसमें अगर आप माइन्यूट डिटेल्स में जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत डिटेल में काम होता है। CSK बहुत ज़्यादा रिलैक्स एटमोसफेयर रहता है, जो उनके कोच हैं स्टीमर फ्लेमिंग, वो ज़बरदस्त काम करते हैं, वो बैकग्राउंड में रह के प्लेयर से बात करना, जो प्लेयर नहीं भी खेलता उसे भी उतनी तरजीह दी जाती है जो लड़का खेलता है उसके बनिस्बत। मैं भी उस ग्रुप का हिस्सा रह चुका हूँ, तो पीछे बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है, टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है,
फ्लाइट आपको 12 बजे से पहले नहीं मिलेगी, क्योंकि बैक टू बैक गेम्स रहती है, रात को आप लेट आते हैं मैच खत्म करके, तो रिकवरी बहुत ज़रूरी है। तो एक जो माइन्यूट डिटेल्स होती है उसमें भी बड़ा ध्यान रखा जाता है, और वहाँ पर कोई हीरो नहीं है, वहाँ पर सब हीरो हैं, वहाँ पे सारे ही सुपरस्टार हैं, और ऐसा लगता है कि कोई सुपरस्टार है भी नहीं और है भी, उसका बैलेंस बहुत अच्छा है। अब मुंबई इंडियंस की अगर बात करें तो उनके जो एक्सपर्ट्स, अब उनके जो स्काउट्स हैं वो बहुत अच्छा काम करते थे पिछले दो तीन साल से। ज़रूर थोड़ी गलतियाँ की है उन्होंने, लेकिन उससे पहले बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। आप डिटेल में बहुत मानते हैं मुंबई इंडियंस, मीटिंग्स बहुत होती है तो एक्स्ट्रा डिटेल में जाते हैं, और यंगस्टर्स पर बहुत दाम लगाते हैं, और बहुत मेहनत करके यंग लड़कों को एक सरप्राइज पैकेज की तरह दुनिया के सामने लाया जाता है, जिससे बहुत हद तक टीमें जो दूसरी टीम होती है वो सरप्राइज हो जाती हैं, और उनके लिए विनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें वो प्रेशर में लड़के बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं और फिर जीत के आते हैं। तो दोनों अलग अलग फ्रेंचाइज अलग तरीके से काम करती है, लेकिन अपने आप में दोनों ज़बरदस्त हैं। आशीष नेहरा जो है IPL में खेल चुके हैं, अभी पिछले 2 सालों से वो गुजरात टाइटंस के जो मुख्य कोच रहे हैं, उसमें भी वो काफी सफल रहे हैं। गुजरात 2022 में चैंपियन बना और पिछले बार रनर अप रहा, तो लेकिन इस बार गुजरात की कप्तान हार्दिक पांड्या नहीं है, कप्तानी जो है पहली बार शुभमन गिल करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि गिल और आशीष नेहरा की जो जोड़ी है ये तीसरी बार उनको प्लेऑफ में पहुंचा पाएगी? देखिए, गुजरात टाइटंस में हार्दिक पांड्या और आशीष नेहरा का कॉम्बिनेशन ना होना ये ज़्यादातर तकलीफ देगा हार्दिक पांड्या को, क्योंकि हार्दिक पांड्या जब कप्तानी कर रहे थे गुजरात टाइटंस में तो बाहर से वो रेगुलर इनपुट्स देते थे और वो कप्तान को हेल्प करते थे। वो मुंबई इंडियंस में अलग चीज़ है, वैसा आप देखने को नहीं मिलता। मुंबई इंडियंस में आप कहते हैं कि यार अपना डिसीजन लो, मैदान में एक बार मीटिंग हो गई और फिर आपको वो डिसीजन लेना है, लेकिन गुजरात टाइटंस में थोड़ा अलग है। सो वो जो कॉम्बिनेशन है, जो यंग हार्दिक पांड्या जब कैप्टन बने, जो पहली बार कैप्टन बने IPL में, जिस तरह से वो हेल्प कर रहे थे शुभमन गिल को, भी मुझे लगता है कि आशीष नेहरा उसी तरह से हेल्प करेंगे। थोड़ा अलग तरीके का उनका अंदाज़ है। शुभमन गिल यंग कप्तान है, और यंग कप्तान को एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी की ज़रूरत होती रहती है सपोर्ट में, तो मुझे लगता है कि वो कॉम्बिनेशन वही रहेगा जो हार्दिक के साथ रहता था आशीष नेहरा का। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, IPL के 17वें सीज़न में आपके अकॉर्डिंग 4 प्लेऑफ में पहुँचने वाली टीमें कौन सी रहेंगी? ओहो, ये थोड़ा मुश्किल काम है। ये मैं जनरली जो टॉप 4 की जो भविष्यवाणी रहती है वो मैं IPL के 10-15 दिन पहले देता हूँ। अभी हम 2 महीने का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी हैदराबाद में आए तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हैदराबाद ने एक बहुत अच्छी टीम बनाई है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। बस उम्मीद यही रहेगी कि वो रिसोर्सेज का किस तरह से इस्तेमाल करते, कप्तानी कौन करता है, अगर कप्तानी पैट कमिंस करते तो किस तरह से करते, या फिर माकरम के साथ अगर वो जाना चाहते, खैर। लेकिन वो जो टीम में जो लड़के हैं, जो ऑप्शन हैं, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस लेके आए, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मैच विनर्स हैं, इंडियन फास्ट बॉलर उनके पास बहुत अच्छा है, भासरंगा के आने से एक बहुत बढ़िया एक स्पिनर भी आपको मिल गया, क्या उनकी जगह बन पाएगी नहीं बन पाएगी, बहुत सारे सवाल है। लेकिन अगर अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया तो ये टीम के पास वो मादा है कि टॉप 4 में आराम से जगह बना ले। सर ETV के लिए बात कर लेगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड लक आपको। ये थे हमारे साथ स्टार ऑलराउंडर, पूर्व स्टार ऑलराउंडर इरफान पठान, जिनको लगता है कि इस बार का IPL सीजन एक बार फिर धमाकेदार होने वाला है। अन्य इंटरव्यू और देश भर की तमाम खबरों के लिए लॉगिन करें ETVBharat.com। थैंक यू।